गुनाह में जो लज्जत होती है, खूब समझ लो, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, गुनाहों में जो लज्जत होती है उसकी मिसाल हजरत हकीम उल उम्मत फरमाते हैं, उसकी मिसाल है जैसे खुजाने में लज्जत आती, खारिश हो जाए तो खुजाने में लज्जत आती है कि नहीं है? यहां तक के लोगों ने कह दिया कि मजा या तो खाज में या राज में, दो चीजों में मजा है, एक खाज में एक राज में। तो अगर जब आदमी को खारिश होती है खुजाने में कितना मजा आता है, लेकिन आखिरकार क्या होता है, जख्म हो जाएगा नहीं। लेकिन जिस वक्त लज्जत आ रही होती है उसके उस वक्त हाथ रुकता भी नहीं कि भाई रोक ले हाथ को, मजा इतना आ रहा है। तो हजरत फरमाते हैं गुनाह की लज्जत जो है वो खारिश की लज्जत के जैसी है, खारिश की लज्जत जैसी है जिसका अंजाम खराब है। लज्जत तो है लेकिन खराब है, उसका अंजाम खराब है। ऐसी गुनाह की ख्वाहिश जो है, गुनाह की तलब, ये भी एक जबरदस्त लज्जत महसूस होती है गुनाह के अंदर, लेकिन अंजाम उसका खराब आखिरत में तो है ही, ये तो तयशुदा बात है। गुनाह का अंजाम आखिरत में खराब है, ये तो बिल्कुल तयशुदा है, इसमें कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है, और कोई इस्तिस्ना नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी पर रहम फरमा दे। लेकिन दुनिया के अंदर भी ये गुनाह की लज्जत बिल आखिर एक जुल्मत पैदा करती है। मजलिस में बैठे हैं, गीबत हो रही है किसी की, अब गीबत यानी बुराई हो रही है कि फला ये खराबी है, फला में ये खराबी है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी तौहीन की जा रही है। अब शैतान ने और नफ्स ने इस गपशप में भी लज्जत रख दी। जब गपशप हो रही हो तो उसमें किसी का जिक्र करके उसके अबरू रेजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसकी बुराइयां बयान करना, इसके अंदर भी एक लज्जत है। तो वो जब आदमी उस लज्जत का तकाजा होता है उसका मुब्तला हो जाता है गीबत में, करने में या कम से कम सुनने में। अब ऐसे मौके पर जब एक पूरा मजमा बैठा है और गीबत कर रहे हैं लोग, और एक आदमी बेचारा चाहता है कि मैं गीबत की बात न सुनूं, मगर महफिल ऐसी है, वो उसका इलाज तो यह है कि वहां से उठ के चला जाए, लेकिन महफिल ऐसी है कि उससे उठना मुश्किल हो रहा है, या तो खुद अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से, या इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, तो इस वजह से उठना मुश्किल हो रहा है। तो मगलूब हो गया तो कह दे अल्लाह मियां से, कह दे रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर। अगर सच्चे दिल से कहेगा और अल्लाह ताला की कुदरत और उसके रहमत पर भरोसा करके कहेगा, जरूर अल्लाह ताला रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला रास्ता ना निकाले। तो जब भी ख्वाहिशात नफ्स का गलबा हो, उस ख्वाहिशात नफ्स के गलबे में अपने आप को इंसान मजबूर महसूस कर रहा हो, तो पुकार ले अल्लाह मियां को, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर, अल्लाह तबारक व तआला छोटी सी दुआ मांग ले, दिल से मांग ले, सच्चे दिल से मांग ले, यकीन के साथ मांग ले कि अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। तो या तो अल्लाह ताला बचा लेंगे गुनाह से इंशाल्लाह, या कम से कम उसके ऊपर तौबा इस्तगफार की तौफीक दे देंगे, माफ फरमा देंगे। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो कि भरपूर जवानी है और
ऐसी दावत मिल रही है। खलबत है, तन्हाई है, दरवाजे बंद है, ताले पड़े हुए। तो क्या किया मालूम, आंखों से देख रहे थे कि ताले पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, मगर दरवाजे तक भाग गए और पुकार लिया अल्लाह को, या अल्लाह मेरे बस में इतना ही था, बाकी बचाना आपका काम है। इल्ला इल्ला तो अगर आप अपने रहमत से मेरी मदद नहीं फरमाएंगे तो असबु इलैहिन व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं खुद भी माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ और जाहिलों में बन जाऊंगा। मांगते मांगा मगर दरवाजे तक जाकर मांगा। तुम्हारा रूमी फरमाते हैं कि गरचे रखना नहीं इस आलम रापदी खीरा यूसुफ वार में बायत दबी, अगर जो तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आ रहा, बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम यूसुफ की तरह, यूसुफ अलैहि सलाम की तरह भाग तो जाओ दरवाजे तक, देखो फिर दरवाजे कौन खोलता है। गरचे रखना नहीं इस आलम रा बदीद खीरा यूसुफ वार में बायत दबीद, यानी यूसुफ अलैहि सलाम की तरह भाग के जाना चाहिए जितना हो सके। तो जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें आदमी अपने आप को मजबूर पा रहा हो कि भाई कहीं मुझसे गुनाह सरजद ना हो जाए, तो ये छोटी सी दुआ है, याद कर लो, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे परवरदिगार मैं मगलूब हूं, मुझे मदद फरमा मेरी। तो ये है तो छोटी सी दो तीन लफ्ज की, लेकिन मैं कहा कायनात पोशीदा है इसमें, इसमें कायनात पोशीदा है। मगलूबियत चाहे जिस्मानी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे उखरवी हो, जैसी भी मगलूबियत हो, कोई दूसरा गालिब आ रहा है तो ये मांग लो और मांगते रहो। ये नहीं कि एक मरतबा मांग के फारिग हो गए, मांगते रहो, मांगते बन जाओ, फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला किस तरह दरवाजे खोलते हैं, खोलेंगे और जरूर खोलेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जब पेशी होगी तो कम से कम तुम ये कह सकोगे या अल्लाह मैंने आपसे मांगा था, मैंने आपसे मांगा था, कोशिश भी की थी और मांगा भी था। तो फिर क्या वो कुछ दुश्मनी है तुम्हारे साथ अल्लाह मियां को कि फिर भी तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे, कोई दुश्मनी है? वो इंशाल्लाह रहम फरमाएंगे।